नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदा नॉलेज में। दोस्तों, आज 7 अप्रैल के दिन कामदा एकादशी है, जिसका चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इसे आम भाषा में फलदा एकादशी भी कहकर बुलाया जाता है। शब्द फलदा का अर्थ है फल की प्राप्ति और शब्द कामदा का अर्थ है कामनाओं की दात्री, अर्थात कामनाओं को पूरा करने वाली। इसे शास्त्रों में भगवान विष्णु का उत्तम व्रत कहकर संबोधित किया गया है। कामदा एकादशी को ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाली एकादशी माना जाता है। इस दिन किए गए पूजन से जो फल मिलता है, वे गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में दर्शन करने से भी प्राप्त नहीं होता। और इस दिन विशेष उपाय करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कामदा एकादशी की शाम को तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और घर परिवार पर संकट नहीं आता। एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग अवश्य लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते भी डालें। इससे भी घर में सुख शांति का वास रहता है। इस एकादशी पर पीले रंग के फूल, फल, मिष्ठान, कपड़े व अनाज भगवान विष्णु को अर्पित करें और बाद में ये सभी चीजें गरीबों को दान कर दें। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, तो एकादशी पर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भी भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इससे धन लाभ होता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी विशेष जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञान द नॉलेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।